जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय, श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और वह बोले, हवि, मत्स्य, शशक अर्थात खरगोश, नकुल, शुकर, छाग, कस्तूरिया, मृग, कृष्णमृग, गवया अर्थात वन गाय और मेष के मांसों से तथा गौ के दूध घी आदि से पितृगण क्रमशः एक एक मास अधिक तृप्ति लाभ करते हैं और वह धनी नस पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गैंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। हे पृथ्वीपति, जो पुरुष गयाजी में जाकर श्राद्ध करता है, उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देव धान्य निवार और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामाग, सावा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियां श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य है। जो कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सबका श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजेश्वर, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलजम, गांधारक अर्थात शाली विशेष, बिना तुष्के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊंटनी का, भेड़ का, मगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में काम में ना ले। हे पुरुष श्रभ, नपुंसक, अपबुद्ध अर्थात सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कुकुट, श्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, ग्रामीण शूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाला पुरुष, इनमें से किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पुत्रगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते, अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तेल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त करें। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न ना दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हो, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक किया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है, जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस अर्थात खीर का दान करेगा अथवा गोरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।